वेलकम बैक एवरीवन। तो आज बनाते हैं सुपर डिलीशियस सुपर टेस्टी भरमा बैगन की रेसिपी। अगर आपकी भी ये शिकायत है ना कि आपके भरमा बैगन जो है उसमें बैगन के अंदर स्वाद ही नहीं भरता है, बैगन आपके फीके फीके रह जाते हैं, तो ये सारी जो कंप्लेंट्स है ना वो आपकी दूर होने वाली है इस रेसिपी को देखकर। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। भरमा बैगन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए लिए हैं ये बैगन, जो बैंगनी वाले हैं आप चाहें तो यहाँ पर पर्पल कलर के जो आते हैं या फिर ग्रीन कलर के जो आते हैं वो भी ले सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले बैगन की जो ऊपर वाली लंबी सी डंडी है ना इसको हमें कट कर देना है। उसके बाद ये जो चारों तरफ से इस तरह से कांटे निकले हुए हैं ना इनको भी कैंची से इस तरह से कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बैगन के इस तरह से चारों तरफ से ये कोने जो है वो कट कर लिया। अभी यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल और बाउल में मैंने डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद यहाँ पर बैंगन लेंगे और बैंगन को पीछे तरफ से इस तरह से दो चीरे लगाएंगे। चीरे लगाने के बाद एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो बस इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे नमक वाले पानी में डाल देंगे। तो बस इसी तरह से सारे बैगन को हम पीछे से चेक करते जाएंगे कि इनमें कोई कीड़ा तो नहीं है और उसके बाद हम इन्हें नमक वाले पानी में भिगो के एक साइड में रख देंगे। तो चलिए चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हम बना लेते हैं भरमा बैगन का मसाला। तो एक कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल दिया मैंने 3 बड़े चम्मच भर के बेसन। बेसन को हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए धीमी आंच पर भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अभी हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसमें थोड़े से सूखे मसाले मिला लेंगे, जैसे कि 2 बड़े चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पर लेंगे जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने होममेड गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर का पाउडर और 1/2 ही चम्मच सौंफ। आप यहाँ पर सौंफ का पाउडर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लिए कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल देंगे। अब यहाँ पर मसालों के टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच ही नमक ऐड किया है क्योंकि आगे भी हम नमक ऐड करने वाले हैं बाकी के मसालों में। अभी सारे मसालों को अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भर के ऑयल। ऑयल डालने का रीजन ये है कि जो मसाला है ना ये थोड़ा बंदा बंदा सा हो जाएगा। अभी क्या है ये पाउडर फॉर्म में है, तो जब हम इसे बैगन के अंदर भरेंगे ना तो ये मसाला जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसमें एक थोड़ी सी बाइंडिंग लाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने का आप देखिए एक मोयन जिस तरह से हम आटे में डाल देते हैं ना वो बनने लगता है, बिल्कुल वैसे ही हो गया ये देखिए। और इसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट से नेक्स्ट स्टेप। तो ये जो बैंगन है ये पानी में से इस तरह से निकाल के थोड़ा सा निचोड़ लेंगे उसका पानी और इसका मुंह खोल के ना इसके अंदर मसाला भरेंगे। तो मसाला बहुत अच्छी तरीके से प्रेस कर करके बैंगन के अंदर भर देना है, जगह नहीं छोड़नी है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से प्रेस कर करके ना मैंने सारे मसाले जो है ना बैंगन के अंदर भर दिए हैं। तो ये जो बैंगन है ना हमारे यहाँ पर मसाले से एकदम भरपूर हो गए हैं और अच्छे तरीके से मसाला भरने के बाद भी ना यहाँ पर थोड़ा सा मसाला आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी मसाले मैं ले रही हूँ ना उन सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं 1/2 किलो बैंगन के हिसाब से। तो अब एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने 2 चम्मच भर के ऑयल डाल दिया है और ऑयल डालने के बाद हम ये सारे बैगन को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। अच्छा फ्राई करने के लिए ना आप इस तरह का खुला बर्तन ही इस्तेमाल करिएगा। और देखिए आप मैं सारे बैगन डालने के बाद ना मैंने इसे चम्मच से नहीं हिलाया है, इस तरह से टॉस करते जाएंगे और सारा ऑयल जो है ना वो कोट कर लेंगे बैंगन के ऊपर और उसके बाद इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट में ये बैगन जो है वो फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे और इन्हें साइड में रख देंगे। अब चलते हैं हम इसका ग्रेवी बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल दिया मैंने 3 बड़े चम्मच भर के ऑयल। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हींग। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और साथ में डाल दिए 2 हरी मिर्च जिनको बीच में से चीरा लगाया हुआ है। इनका हम तड़का लगा लेंगे और तड़का लगाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो ये 2 बड़े साइज की प्याज थी जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इनको डाल के हम फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती है। जैसे प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो जाती है ना तो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो यहाँ पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया, 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और सारे मसालों को ना बस अच्छी तरीके से मिक्स करके बस 1 मिनट के लिए यहाँ पर भूनेंगे और 1 मिनट के बाद ये जो मसाला हमारा बच गया था ना भरमा मसाले का वो इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने का सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना यहाँ पर डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर थे जिसकी मैंने प्यूरी बना ली और प्यूरी के साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा टमाटर क्या है तो थोड़ा सा नमक भी जाएगा। अच्छा कन्फ्यूज मत होइएगा, नमक जो है हमने पानी में भी डाला था और भरमा मसाला जो बनाया था उसमें भी ऐड किया था और ये जो हम बना रहे हैं ये ग्रेवी के लिए मसाला बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा।
अभी मसालों को भूनते हुए मीडियम फ्लेम पर मुझे 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद हम इसे लिड से कवर कर देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 5 मिनट के बाद जैसे ही लिड ओपन करेंगे ना, देखिए मसाले जो है ना भुन गए हैं और बिल्कुल ड्राई से हो गए। और यहाँ पर देखिए मसाले भुनने की एक पहचान ये है कि आप देखिए मसालों के बीच में से ये ऑयल के बबल्स आ रहे हैं, बस यही पहचान होती है कि मसाले जो ना बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप के अराउंड गुनगुना पानी डाला है और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये सारे फ्राई किए हुए बैगन ऐड कर दिए हैं। बैगन देखिए यहाँ पर 60% तक गल चुके हैं, बाकी के 40% जो है ना वो ग्रेवी में गल जाएंगे। तो बस इसे लिड से कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। बैगन को ग्रेवी में डालने के बाद चम्मच से बिल्कुल भी नहीं चलाना है, वरना इनके अंदर का जो मसाला है ना वो बाहर निकल जाएगा। बस इसी तरह से हम इसे लिड से कवर कर देंगे और 10 मिनट बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। टोटल 10 मिनट का जैसे ही लिड ओपन करेंगे ना तो आप देखेंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि बैगन पक के तैयार हो गए, ग्रेवी के सरफेस पे ऑयल भी रिलीज हो चुका है और बहुत बढ़िया सी तरी बन गई है ऊपर सरफेस पर, आप देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया है कैमरा। बस इसको अब हम लास्ट में गार्निश कर देंगे हरे धनिया और हरी मिर्च के साथ और ये हमारा भरमा बैगन मसाला हो गया है तैयार। तो बस इसमें थोड़ा सा धनिया का फ्लेवर आने के लिए मैंने लिड से कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया आई है। और ये देखिए भरमा बैगन जो है ना, बैगन के अंदर आप देख सकते हैं मसाला जो है ना अभी भी है, तो ये बैगन जो है ना बहुत फ्लेवरफुल है अंदर से, इसका मसाला, इसकी ग्रेवी बहुत टेस्टी है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कितने टेस्टी बन के तैयार हुए थे। ट्राई करना तो जरूर बनता है, अगर आपको बैगन पसंद नहीं है ना, इस रेसिपी को खाने के बाद बैगन पसंद करने लगे। तो कैसे लगी आपको ये मजेदार सी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।